साइडों से मशीन नहीं भाई, बाल जब कटाएं तो पूरे सर के बराबर बाल कटाएं, कहीं से लंबे बाल कहीं से छोटे बाल ये शरीयत में जायज नहीं है। कहीं से मुंडा लेना, कहीं से जैसे आजकल कटोरा रख के अजीब अजीब फैशन आ रहे हैं। असल में लोग बेसुकून हैं, हर आदमी चाहता है मैं अट्रैक्टिव बनूं, लोग मुझे देखें, अजीब सा लगूं मैं, तो अजीब से लगने के चक्कर में अजीब से ही बन जाते हैं, बस अजीब अजीब फैशन बन गया है। तो तमीज से बाल रखें, या तो पूरे ट्रिंड करा दें जो कि मुनासिब नहीं है, मुसलमान गंजा अच्छा नहीं लगता, बाल अल्लाह ने जीनत के लिए दिए हैं, तो फिर या तो पट्टे वाले बाल रखें जैसे मैंने रखे हुए, पूरे बाल बढ़ा दें, या ये करें कि छोटे कर दें चारों तरफ से बराबर। हाँ, गुद्दी के नीचे जो बाल आ रहे हैं वो काट सकते हैं, जो गुद्दी के नीचे आ रहे हैं ना वो ब्लेड से काट सकते हैं। तो ये है तरीका बालों का। इसके अलावा बालों का तरीका कहीं से कटोरा रख के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया इससे, कहीं से बिल्कुल मुंडा दिए, कहीं से बाकी जैसे हिंदुओं में होता है ना कि लठ निकल रही है यहां से, अब ये भी फैशन आ जाएगा थोड़े दिनों में, बंदा पूरा जो है ना वो है कि एक लठ यहां से आ रही है उसकी, वो फैशन है भाई। तो ये आपको अपने शक्ल बिगाड़ने की इजाजत, ये फैशन नहीं है, ये शक्ल को बिगाड़ना है, जीनत को खराब करना है, तो अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी है। समझ में आ रही है बात? वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।